On your marks, get set, go. मेरा नाम है जीसू, मैं 4 क्लास का हूँ और मेरा साल 10। मेरा नाम आयजा नवाज खान है, मैं 8 साल की हूँ, 4th क्लास में पढ़ती हूँ। These are Muslim children growing up in today's India, where Islamophobia is on the rise and Muslims feel threatened in their own country. Ram Mandir udghatan the log khush tha na, ye bol raha tha. जैसे कि वो लोग कहना था कि अब तुम लोग हर एक मस्जिद टूट टूट के खाली मंदिर बनेगा, हम ही लोग राज चलेगा। What are they hearing and how well can they articulate their experiences? एक बार उसने कोई वीडियो गेम की बात करी, उसने बोला कि मामा वीडियो गेम में ना ऑल हर फ्रेंड्स आर सेइंग दैट द एनिमी इज पाकिस्तान, मुस्लिम शुड लीव द कंट्री। How are their mothers explaining it all to them? हमें मुसलमानों को कहीं नहीं जाना, इस देश में रुकना है और हालात का सामना करना है, अपने आप को और मजबूत करना है। बच के रहो, बच्चे को कहते हैं आदमी सबसे बच के, मेरे घर में कोई ना है झगड़ा करने वाला। Whether it's a poor family in Bihar's Araria or a high-rise residential complex in Noida near Delhi, Jishu and Aiza's stories are part of a larger reality. What does it mean to raise a Muslim child in India? वो बगल में मंदिर था ना, इसलिए उसी के बगल खेलने वाला जगह है। क्या हुआ वहाँ? वही लोग बोला था कि ये लोग मियाँ लोग यहाँ खेलता है मंदिर के बगल में, ये लोग का हम लोग गाड़ी को राम मंदिर उद्घाटन थे, लोग खुश था ना, ये बोल रहा था जाना पड़ेगा तुम लोग को, यहाँ पे अब रहने का जगह नहीं बचेगा। क्या बोले अब ना सुन के आ गए। घर में आके किसी को बताया नहीं? क्यों? जैसे मुगा जवाब उसका मुँह में घुसा देते बोल बोल कर, मन नहीं बोले छोड़ दिए, वही बाद में झगड़ा हो जाता इसलिए छोड़ दिया गया। रानी बेगम's son doesn't tell her anything and she doesn't ask him either. Raising 7 children leaves little time, but she has given them standing instructions. इसीलिए बच्चा सबको जाने से पहले समझा देते, न उसके वहां जाना न उसके बच्चा को इधर लाना, न झगड़ा होगा, न तो आएंगे तो बड़ी मार मारेंगे। हाँ तुम लोग चलते, झगड़ा नहीं करेंगे तुम लोग के चलते, वैसे कुछ करेगा आदमी लगा के मरा देगा इसको, यही डर हमको लगता है इसलिए इसको कहते हैं छोड़ दो। There are two responses, to ignore or to reply. Aiza's mother, Mehez Khan, is a lawyer. She has decided to argue. तो एक दिन ऑनलाइन क्लास चल रही थी और स्कूल का प्रेयर खत्म हुआ, टीचर ने उसके बाद में जय श्री राम बुलवा दिया। अब सब बच्चों ने बोला जय श्री राम, आयजा ने भी बोला जय श्री राम। तो मैंने ये फिर टीचर को मैसेज किया, किसी एक क्लास में जब हर तरीके के बच्चे बैठे हैं तो अगर वो बच्चा जय श्री राम बोल रहा है तो मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर गॉड को प्रेस कर रहा है। अगर आप उसी जगह पर और बच्चों को अल्लाहू अकबर बुलवा दोगे तो डोंट यू थिंक द पेरेंट्स विल रेज कंसर्न, बिकॉज आई एम नॉट सेंडिंग माई चाइल्ड टू अ स्कूल विच इज़ गोइंग टू बी टॉकिंग और प्रमोटिंग रिलीजन, यू नो। मुस्लिम को नीच समझता है कि हम छोटा जात हुए, और उन लोग सुनते हैं कि लाला जात बहुत बड़ा होता है, लाला बाभन किसी मुस्लिम को घुसने नहीं देता, और वो लोग है कि हमको घुसने दिया। वो लोग अपने जाति जैसा मानते हैं। So there is an environment of fear, but it coexists with a world of empathy and warmth. इधर सारा हिंदू रहता है, 8 हमारे इधर खाली 4 मुसलमान, ये सब बात नहीं होता है यहाँ पर। हम लोग एक दूसरे से आना जाना बैठना, वो भी आई बैठ गई, वो भी कुछ मांगने का हुआ ले जाके पका ली, हमको भी कुछ हुआ पर प्रसादी सब आता है, ईद हुआ बकरीद हुआ यही 2 त्योहार में देते हैं, उन लोग भी दशहरा हुआ होली छठ हुआ होली में देती है। बट इन आइजर्स रेजिडेंशियल सोसाइटी There is a temple, a gurudwara, and a Christian mission, but no mosque. Mehez had to raise her voice, asking for Eid celebrations, just like Holi, Diwali, and Christmas are celebrated. तो हम जब owner से जाके मिले और उन्होंने हमें कहा specifically जब उनको पता चला कि we are Muslims,
तो दे वर वेरी नाइस पीपल, बट उन्होंने ये बोला एंड फॉर अस इट वाज शॉकिंग बिकॉज वी लिव्ड इन एन आर्मी कम्युनिटी दैट कि आप वो कम्युनिटी के लोगों को घर मत देना, उनकी जो तादाद है यहाँ पे बढ़ रही है. एंड व्हेन महज डिड गेट अ हाउस शी हैड टू डील विद हर सोसाइटीज व्हाट्सएप ग्रुप. तो एक्चुअल जगह है जहाँ पर लोग हर दूसरे मैसेज में आप धर्म के बारे में बात कर रहे हो या ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए या इस तरीके के लोग ऐसे होते हैं या वो है. हम छोटे तबके की बात करते हैं कि राइट्स हो गए छोटे इलाकों में जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट ये भी अपने आप में एक तरीके का वायलेंस है. जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग का बाप दादा बोलता था कि एक जगह बैठ के पूजा पाठ कुरान पढ़ना ये सब होता था. आपको शैतान आया तो शैतान ही खिला दिया. मतलब यहाँ तक बातें आ गई है कि Is it okay to, you know, let your children grow up here? But within the world of children, dreams remain untouched and secure. मैंने तीन चीजें सोचा था दिमाग में कि मेरे को एक्टर बनना था, फिर एक शेफ का आइडिया सोचा था, फिर पुलिस ऑफिसर भी सोचा. नहीं, अभी इससे तो खाली एक फुटबॉल प्लेयर. Keeping dreams and aspirations safe is also a response. तो अब यहाँ से जाएंगे कहाँ? भी तो क्लियर नहीं होता है कि चाहे बेच लेंगे चाहे कहूँ घर बनाएंगे. यहाँ पर कभी आदमी से हेल मेल हो गया है, एक जगह रह के दूसरा जगह कैसा होगा, बच्चे सबके साथ यही सोचते हैं. अगर सभी छोड़ के चले जाएंगे हिंदुस्तान, I talk about specially the influential upper middle class of Muslims. और अगर हम सब अगर चले जाएंगे तो बचेगा कौन? तो I think मुसलमानों को और फैल फैल के रहना चाहिए अलग अलग जगहों पर, ताकि जो हमारे और लोग हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने कभी एक मुस्लिम, बिकॉज उनके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है मुसलमानों का, तो वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा उनको.